हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक सॉल्यूशन और मैं हूं सुनील। आज हम जानेंगे आप विंडो का जो प्री इंस्टॉल इंटरनेट एक्सप्लोरर है उसे कैसे अनइंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि विंडो 10 में दो वेब ब्राउज़र दिया हुआ है, एक तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज, एक इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो ज़्यादातर लोग माइक्रोसॉफ्ट एज का उपयोग करते हैं या क्रोम का, कोई भी इंटरनेट एक्सप्लोरर का उपयोग नहीं करता। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में आप उसे कैसे अनइंस्टॉल कर सकते हो। आपको विंडो बटन दबाना है, उसके बाद टाइप करना है INTE, इतने में ही आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर आ जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हो, तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर का। इसके लिए आपको टर्न विंडो फीचर ऑन ऑफ में जाना है। देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा इंटरनेट एक्सप्लोरर 11, इसको अनचेक करना है। यस, उसके बाद ओके कर दीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। देखिए अब ये बोल रहा है विंडो कंप्लीटेड द रिक्वेस्ट चेंज, विंडोज नीड टू रिबूट योर PC टू फिनिश इंस्टॉलेशन द रिक्वेस्ट चेंज। रिस्टार्ट पर क्लिक कर सकते हैं आप। देखिए मेरा PC रिस्टार्ट हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारा अनइंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ या नहीं। आप विंडो सर्च बार में जाइए, यहाँ पर टाइप कीजिए INTE, इंटरनेट टाइप करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एज ही आएगा। पहले हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 आ रहा था, अब नहीं आ रहा है। मैं आपको ये देखिए विंडोज एक्सेसरीज में दिखा देता हूँ, यहाँ पे कहीं भी इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं मिलेगा। बट कम्प्लीटली अनइंस्टॉल करने के लिए आपको अपने PC को रिबूट करना होगा या रिस्टार्ट। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।